देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। कोई भी अभिनेता जब नेता बनने की कोशिश करता है तो वो लेफ्ट या राइट के सेंटर में आ ही जाता है। लेफ्ट या राइट मतलब वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा। एक को समर्थन करोगे तो दूसरा तो नाराज होगा ही। अपने आने वाली फिल्म छपाक के प्रमोशन के मौके पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU घूम आई पद्मावती वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बुधवार की रात को जब से वो JNU का दौरा करके आई हैं, तभी से दक्षिणपंथी विचारधारा वालों के निशाने पर आ गई, क्योंकि जिस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए दीपिका पादुकोण मुंबई से दिल्ली पहुंची थी, वो विरोध प्रदर्शन वामपंथ समर्थकों का था। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी के बाद पद्मावत ने बम्पर कमाई की थी, कंट्रोवर्सी का वही पैतरा दीपिका पादुकोण ने इस बार छपाक के लिए आजमाया है। अब इस पैतरे के बाद दीपिका पादुकोण की छपाक पर दर्शक कितना पैसा लुटाते हैं, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले दीपिका पादुकोण के JNU दौरे पर BJP नेता मोहित भारतीय ने भी कुछ कहा है, जरा उसे भी सुन लीजिए। नमस्कार। बहुत ही अजीब बात है, जब सीमा पर देश का जवान शहादत देता है और जब उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उसके घर पहुंचता है, उस शरीर को एक नमन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, उस वीर जवान को एक झलक देखने के लिए पूरा गांव, पूरा शहर, उसका परिवार जब फूट फूट के रोता है, तब आज तक मैंने नहीं देखा कोई भी फिल्म स्टार, कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस उस वीर जवान को एक झलक नमन करने के लिए वहां पहुंचा हो। लेकिन कल JNU में अपनी पिक्चर आने से पहले, मूवी आने से पहले, ब्लॉकबस्टर पे बड़ी बड़ी कलेक्शन करने के लिए, जब ऐसे देश के जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए देश के टुकड़े होंगे हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए जब हमारे फिल्म स्टार पहुंचते हैं, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक और बहुत ही शर्म की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि ये 2020 में और 2019 के दिसंबर से लेकर बहुत से ऐसे लोग जो देश ने जिनको बनाया, देश ने जिनको इतना मान सम्मान इज्जत दी, लेकिन जब देश के साथ खड़े होने की बारी आई तो खुद के निजी फायदे के लिए वो आज देश को बेचने के लिए देश के गद्दारों के साथ। BJP नेता मोहित भारतीय ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का JNU में जाकर आंदोलनकारियों से मिलने को शर्मनाक बताया। यही नहीं, दीपिका पादुकोण को पाकिस्तान से भी समर्थन मिलने लगा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने ट्वीट कर लिखा कि सच और युवाओं के लिए खड़े होने के लिए शाबाश दीपिका पादुकोण, मुश्किल वक्त में आपने अपनी बहादुरी साबित की है और सम्मान हासिल किया है, मानवता सबसे ऊपर है। पाकिस्तानी आसिफ गफूर से दीपिका पादुकोण को मिली शाबाशी पर BJP नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया ने ट्वीट किया, पद्मिनी का दीवाना अलाउद्दीन खिलजी, JNU में जो गंदगी फैला रहे हैं उनके पीछे कौन है? पाक सेना के प्रवक्ता का ये ट्वीट सब समझा देगा। दीपिका मैडम, खिलजी का तोहफा कबूल करो। पत्रकार अमिश देवगन ने लिखा, भेड़ चाल में कल से कई तथाकथित गैंग के महानुभाव जोश जोश में होश खो गए, पर दीपिका पादुकोण जी के जाने से बांछे किनकी खिल रही है ये देखिए। मुझे पूरा यकीन है इस पर भी शर्मिंदा नहीं उल्टा कुतर्क और समर्थन होगा। मेरा समर्थन देश को और आपका। पाकिस्तानी आसिफ गफूर से शाबाशी मिलने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपिका पादुकोण किस विचारधारा वालों के समर्थन में JNU गई थी। बहरहाल दीपिका पादुकोण को पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के रूप में एक और फैन मिल गया, इसके लिए उन्हें बधाई। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है? क्या दीपिका पादुकोण वाकई में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नेताओं को समर्थन देने JNU गई थी? ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ TV इंडिया पर।